सिविल इंजीनियरिंग को मैं और चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग हमारे देश में कब पॉपुलर हुई? मैंने सुना कि सिविल इंजीनियरिंग हमारे देश में 1947 के बाद आई, जिसमें कि पहले अंग्रेजों ने स्कूल खोले, उसके बाद 1947 के बाद ही देश में हमारा राज शुरू हुआ, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ने लगे और हम जो इंडिया में बाहर के स्टूडेंट्स थे वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए। इंडिया में इंजीनियरिंग का उस टाइम इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था जितना कि आजकल है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम आज़ादी की लड़ाई ख़त्म हुई और उसके बाद देश काफ़ी समस्याओं में रहा, जिसकी वजह से काफ़ी साल तक देश के लोग आगे पढ़ नहीं पाए। वो आज़ादी के लड़ाइयों में लगे रहे थे, इसलिए 47 के बाद आगे पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल था और देश में सरकार भी चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से सरकार ने ऐसी कुछ पॉलिसियां नहीं बनाई जो कि देश को एकदम तरक्की के रास्ते पर ले जा सकें। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज सुबह उठ के आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी इंजीनियरिंग या कुछ भी कोई भी स्टडी करनी हो तो आप आराम से कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप लोगों को कि कहीं पैसे देने पड़े या कुछ करना पड़े। आजकल आपको हर फैसिलिटी घर में मौजूद मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से एडमिशन होती है और हमें कितना वक्त लगेगा एडमिशन के लिए और हमें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कौन सी कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी, आप हमसे पूछ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग को हम जो स्टेट वाइज इसकी एजुकेशन दी जाती है वो भी होती है, जैसे कि अलग स्टेट की अलग टाइप से होती है, क्योंकि उसमें कुछ भाषाओं का परिवर्तन होता है जो कि हमारे स्टेट पंजाब हरियाणा दिल्ली वगैरह में अलग अलग होता है। तो पर इतना भी नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है लैंग्वेज का फर्क। टीचिंग पढ़ाने में जैसे पढ़ाते हैं दिल्ली में दिल्ली वाली भाषा में पढ़ाते हैं, हिमाचली हिमाचली में, पंजाब में पंजाबी में, हरियाणा हरियाणवी में। पर यह है कि अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप कहीं भी किसी स्टेट में जाके पढ़ सकते हैं। तो इंजीनियरिंग इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, काफ़ी आदमी का बहुत तेज़ होना चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और अपने स्टेट में तो आराम से सुबह से शाम तक अपनी लैंग्वेज में अपने टीचरों के साथ पढ़ सकते हैं। पर बाहर दूसरे स्टेट में जाने में दूसरी भाषा सीखनी पड़ती है और साथ में उनकी भाषा में इंजीनियरिंग करके आपको फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आप दूसरे स्टेट से अगर हिमाचल में आते हैं तो आपको उस स्टेट में जाने का भी फ़ायदा रहता है।